किसान भाइयों नमस्कार, मैं दिलीप चौधरी, आप देख रहे हो फार्मर बॉय यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों सरसों की खेती की तैयारी में जुड़ने वाले हैं, रबी की सबसे पहले बुआई करने की सरसों की जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाई सरसों की खेती कब करें, कैसे करें, किस महीने में सरसों की बुआई कर सकते हैं, सरसों की बुआई कैसे होती है, बुआई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी वेराइटी का चयन करना चाहिए जिससे एक बीघा में किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। किसान भाई सरसों का मंडी में रेट भी अच्छा है, जिस कारण अगर किसान भाई सरसों की उन्नत खेती करेंगे तो किसान भाइयों का जगह और कम समय में अधिक उत्पादन, अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं, जिससे आगे भी आपको हमारे दर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरसों की बुआई का सही समय कौन सा होता है। किसान भाइयों, रबी सीजन में सबसे अधिक बुआई सरसों की जाती है। सरसों की बुआई का सही समय 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य होता है। सरसों की खेती के लिए न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियम से 30 अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियम तक तापमान की जरूरत होती है। यानी कि मूंगफली की कटाई के तुरंत बाद आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर मध्य सरसों की बुआई का सही समय माना जाता है। सरसों की बुआई आप सभी प्रकार की हल्की भारी रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं। किसान इसकी खेती में 5 से 7 सिंचाई की जरूरत होती है। अगर आप भारी मिट्टी और अच्छी काली मिट्टी में खेती करेंगे तो 1 से 2 सिंचाई की जरूरत होती है। सरसों की खेती से पहले किसान उन्नत वेराइटी का चयन करना जरूरी है। आप जब भी सरसों की बुआई करें तो उन्नत हाइब्रिड किस्मों का चयन करें, जैसे कि सागर की H55, सागर की J111 और हाइब्रिड वेराइटी आती है। अब बात आती है सरसों की बुआई कैसे करें। किसान भाइयों, खेत अच्छी गहरी जुताई करें और कल्टीवेटर से क्यारे डलवा लें, उसके बाद हाथों से छिड़काव कर आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। हम हर साल इस प्रकार की सरसों की बुआई करते हैं। छिड़काव विधि से आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किसान भाई कल्टी की सहायता से सरसों की बुआई करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। हर साल क्या करते हैं, कल्टीवेटर से जुताई करके बाद हाइब्रिड किस्मों का चयन करके हाथों से छिड़काव करते हैं, उसके बाद मिनी फुहारे से पानी डालना, मिनी फुहारे या उससे क्यारे डाल देते हैं अगर कोई क्यारे में सेवा करता है, उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। इस प्रकार हम सरसों की बुआई करते हैं। इस प्रकार एक बीघे से 13 से 14 क्विंटल उत्पादन लेते हैं। आपके क्षेत्र में जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छी वेराइटी लगाएंगे और सही समय पर सही खाद प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अधिक उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करें कि सरसों की बुआई कब और कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार किसान सरसों की खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय जवान, जय किसान।